हमने यहाँ पे 250 ग्राम चना लिया है। अभी आपने चना बनाना होगा, आपको चने को रात भर के लिए भिगोने के लिए छोड़ना पड़ेगा, तब आपके चने प्रॉपर तरीके से अंदर से सॉफ्ट और बढ़िया तरीके से बनेंगे। हमारे चने अब अच्छे तरीके से भीग गए हैं, अब हम इसको बॉईल करेंगे। आगे का बॉईल करने का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। हम चने को एक कुकर में डाल देंगे। मसाले में हमने तेज पत्ता, बड़ी इलायची और लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सभी को हम एक पोटली में डाल देंगे। इस तरीके से एक पोटली में उसको हम जीठा लगा के इस खड़े मसाले का टेस्ट काफी अच्छा आता है। आप चाहे तो सीधा डायरेक्ट भी डाल सकते हैं इसी में। हम यहाँ पे एक पोटली करके डाल रहे हैं ताकि इस मसाले का टेस्ट अच्छा आए और मुंह में भी ना आए। इसी में हम एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे, एक चम्मच नमक, एक चम्मच हल्दी डाल देंगे और इसको हम कुकर को बंद कर देंगे। कम से कम इसको हम 5 से 6 सीटी लगाएंगे। हमारे चने प्रॉपर तरीके से बॉयल हो चुके हैं। जो हमने इसमें खड़े मसाले की पोटली डाली थी उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और थोड़ा सा हल्का से इसको निचोड़ लेंगे ताकि इसमें जो रस है वो प्रॉपर मसाले का इसमें आ जाए। हम चेक कर लेते हैं हमारे चने प्रॉपर बॉयल हो चुके हैं कि नहीं। देखिए हमारे चने प्रॉपर बॉयल हो चुके हैं, ये मैश भी अच्छा हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, हम चने के तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें 3 से 4 प्याज चाहिए बड़े वाले, और हरी मिर्च फ्रेश, और 4 से 5 टमाटर लेंगे, और कुछ हमने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हैं छील के, और अदरक लिया है। अब इसको हम एक मिक्सी में अच्छे तरीके से हम स्मूथली ग्राइंड करेंगे। दोनों को अलग अलग ग्राइंड करेंगे। पहले हम इसको प्याज, लहसुन और अदरक को ग्राइंड कर लेते हैं। इन सभी को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। से ग्राइंड हो चुके हैं, हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। इसी टमाटर और हरी मिर्च को भी हम इसी में ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटर को भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। बॉइल किए हुए चने हैं, इसमें से हम थोड़े से चने ले लेंगे। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से, इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा हो गया है चने हमारे जो ग्राइंड किए थे। हम 2 कड़छी तेल ले लेंगे। एक चम्मच जीरा। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे। हमने इसमें प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो ग्राइंड किया था सबसे पहले हमने इसमें वो डाला है। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक यह ब्राउन और तेल छोड़ना शुरू ना कर दे। हमारा प्याज का मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, देखिए तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें हम सबसे पहले कुछ मसाले डालेंगे। चम्मच देगी लाल मिर्च, इसका कलर अच्छा आता है। एक चम्मच हल्दी, इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। जैसे हमारा मसाला धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएगा इसी में हम
अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हम यहाँ 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर। इन सभी को इसी के बीच में अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। मसाला हमारा प्रॉपर तरीके से पक चुका है। जो हमने चना जो ग्राइंड किया था वो पेस्ट हम इसी में डाल देंगे और इसी में ही इसको पकाएंगे थोड़ा। उसके बाद हम इसी में चना जो बॉयल किया था हमने इसी में डाल देंगे और इसको कम से कम हम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। साथ में इसको हम मैश करते रहेंगे। चने हमारे पक्के रेडी हो चुके हैं, काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है इसमें। ऊपर से हम इसमें धनिया से गार्निशिंग कर लेते हैं। इसको हम गरम गरम सर्व कर लेते हैं।